आप लोगों का माखनलाल यूनिवर्सिटी है ना आप लोगों के, तो यस मैम। वो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे वो वन यूनिट वन टू थ्री फोर, मतलब यूनिट वन में जो भी चार आपके ये हैं सब टॉपिक्स हैं, चार में से वो एक तो या तो एक दो में से कोई एक दे देंगे या फिर थ्री फोर में से कोई एक दे देंगे ऐसे, और लगा देंगे। तो बेसिकली आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी सीनियर होने के नाते, क्योंकि अगर आपको देखो यूनिट वन से कोई भी क्वेश्चन आता है, ये सीनियर होने के नाते बता रही हूँ मैं, और मैं क्योंकि मैं भी एग्जाम में भी टॉपर रही हूँ, इसलिए कोई भी टॉपिक आए उसमें जितना जानते हो ना रिपोर्टिंग के बारे में, जितना जानते हो जो भी पढ़ा है ना सब बता देना। यही करते थे मैम, हाँ हम क्योंकि लिखते देखो थे क्या सब होता है, कुछ। सब कुछ लिख देना, क्योंकि क्या होता है यस ना मैम, अक्सर ये बोला जाता है, जैसे माखनलाल यूनिवर्सिटी में क्या है कि वो शीट्स काउंट करते हैं कितने शीट्स कितने भरे हैं। अब शीट्स भरने का पहले मतलब ये तो नहीं है कि तुम गाना पहले वाना। पहले मैम मुझे बता रहा था कोई मैम ऐसे कि शीट वगैरह भरने से हम ज्यादा मार्क्स मिलते। हाँ तो तुम ये नहीं ना शीट भरने का मतलब कि तुमने गाना वाना कुछ भी लिख दिया, तो उसमें कुछ तो लिखोगे ना, कुछ इम्पोर्टेंट ही लिखोगे। तो मैंने मतलब मैंने खुद ही काउंसिल किया था, मैंने खुद मैं क्या फैकल्टी मिल रही करके लिए तो चाहती हूँ तिजोरी क्या या तो नहीं क्या लिखा है। अच्छा मैम ने लिखा है, मैम मुझे लगा स्टूडेंट हूँ। वो तुम्हें नहीं लिखा होगा। एनीवे तो कुछ भी हो, जैसे मुझे भी किसी ने बताया था कि पेपर जितना ज्यादा बढ़ो मतलब उसमें फिल करोगे इतना ज्यादा नंबर्स आएंगे, तो मैंने भी यही किया था कि मैं आखिर नंबर कैसे मतलब पेपर्स कैसे भरूँ, तो यही मैंने शुरू कर दिया ना कि मैं जितना भी मुझे आता था मैं सब लिख देती थी और एग्जाम्पल्स खूब सारे देती थी, मतलब किसी भी एक टॉपिक के मतलब मैंने तीन चार एग्जाम्पल्स दे दिए हैं कि मैं मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे आपके नंबर्स भी बढ़ेंगे, तो ये मैम एक चीज और करते आपने हैं। बताना भूल गया, हाँ बताना ब्लैक भूल गया ब्लू मैं। पेन हाँ मैम। मतलब ये है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, पेपर एक चीज पेन यूज और, करते एक हो चीज और रह गई, बुलेट तो पॉइंट्स आप। लिखने मैम से। नंदिता डायग्राम भी, मैम नंदिता डायग्राम भी बनाती है हर साल। स्केल स्केल देखते लिखा। मैम वो ये आखिरी तक मतलब डायग्राम जितनी बनाती है खूबसूरती से बेचारी। लिखोगे ना, जितने अच्छे से लिखोगे, जितने साफ सुथरे शब्द में लिखोगे, उतना ज्यादा तुम्हें नंबर्स मिलेंगे। ठीक है पेन का अलग अलग मतलब कलर में पेन यूज करो, अब ये मतलब नहीं कि रेड और ग्रीन यूज करने लगो, ब्लैक ब्लू यूज करो, हेडर बनाओ, अंडरलाइन करो, नंबर्स तो अपने हाथ में है ना, जैसे कोई फैकल्टी चेक करे वो खुशी हो जाए कि इसको तो सब कुछ आता है। तो ऐसे कोशिश यस करो आयुष जितना भी बहुत अच्छा जितना लिखता है मैम। ठीक है। और तुम सचिन कैसे सचिन लिखते लिखता है हो शायद शायद। तुम क्या अब तो, और मैम नंदिता स्टिकर भी चिपका के आती है मैम। हो स्टिकर गया पढ़ाई कर लो यार। तो मोदी जी की फोटो बनाना, अरे तो ये है मृणाल बेसिकली का कि डायलॉग जितना मार रहा है। जितना भी पता हो ना, जितनी भी जानकारी हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सब कुछ बता देना। मैम ठीक है वीडियो हाँ हो गया, आ गया। अब आ गया ना। हाँ तो यस बेसिकली यही है कि जितना भी पता हो उसके बारे में वो लिख दो, उसके बाद जैसे रिपोर्टिंग टॉपिक है, अब हमने शुरू से लेके लास्ट तक यूनिट वन तो कंप्लीट कर लिया, अब मुझे लगता है 5:33 हुए ना, यूनिट टू हम नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। चलो तो वन में अभी तक क्या क्या पढ़े हैं हम एक बार हम चेक कर अर्थ लेते क्यों हैं। कह रहा है मैम शायद से। मैम अर्थ क्यों कह जान रहा पाया अरे हिल रहा है भाई सही में। नहीं, नहीं मैम मेरे मुझे यहाँ कुछ नहीं आया अभी। पूछना था। हाँ पूछो, नाम बता दो और पूछो प्लीज। हिमांशु बोल रहा है। मैं हिमांशु बोल रहा हूँ। हाँ हिमांशु, हाँ हेलो हिमांशु पूछो पूछो। वैसे सब न्यूज में बताया था, उसमें आइडेंटिफिकेशन वो था सोर्सेस, वो तो मुझे समझ में आ गया था, और अनआइडेंटिफाई का भी आ गया था, लेकिन जो कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस था ना उसका मुझे आप थोड़ा एक दो एग्जांपल दे देते तो सही रहता, उसके बारे में थोड़ा सा आप देखो बता हाँ दो। देखो कॉन्फिडेंशियल सोर्स हिमांशु, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास कई सारे सोर्सेज होते हैं, आइडेंटिफाई अनआइडेंटिफाइड क्लियर है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज जैसे कोई भी रिपोर्टर होता है सालों से, मैंने बीट रिपोर्टिंग के बारे में बताई थी तुम्हें कि बीट रिपोर्टिंग में हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर्स होते हैं, एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स होते हैं,
जितना ज्यादा वो रिपोर्टिंग के फील्ड में रहते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हो जाता है. जैसे अगर मान लो मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मैं बीजेपी को पर्टिकुलरली कवर कर रही हूँ, मुझे 10 साल से बीजेपी में एक्सपीरियंस है, मतलब मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग करते आई हूँ, ऐसे में 10 साल में मुझे बहुत लोग जान गए होंगे, है ना. मतलब कॉन्टैक्ट में बना, मतलब कॉन्टैक्ट बनाना होता है रिपोर्टर्स को, बहुत लोगों को जान जाती हूँ. अब उसमें से किसी ने मुझे बता दिया, किसी नेता ने, नेता मेरा अच्छे कॉन्टैक्ट हो गया, उससे मेरे कॉन्टैक्ट अच्छे बन गए. अब नेता ने मुझे बता दिया है कि आज मोदी साहब यहाँ पे आने वाले हैं गुजरात में, के उस पे राज्यसभा चुनाव पे यहाँ पे डिस्कस वो करने वाले, तमाम लोग आएंगे, अमित शाह भी रहेंगे, नड्डा भी आएंगे, ठीक है, उन्होंने मुझे बता दिया. अभी सूत्र वो मेरी सूत्र हो जाएंगे क्योंकि उनका नाम मैं नहीं छाप सकती, ठीक है. कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी अभी हम मेंटेन करते हैं, मतलब हम विश्वास वो बना के रखते हैं, क्योंकि अगर मैं उनका नाम अगर मैम ऐसा नहीं होता है मैम, अंकित बोल रहा हूँ मैम, हाँ, कि जैसे उनके ऑफिस से कोई बात लीक हो जाता है, ठीक है, मीडिया उसे चला देती है कि सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो मतलब जो वहां से बात लीक करते हैं तो फिर वो भी तो सोचते होंगे कि आखिरकार बात लीक कैसे हुआ, किसने लीक किया. हाँ तो वो सोचते ही रह जाते होंगे, मैम ऐसा नहीं है, उसके खिलाफ एक्शन भी तो लिया जाता होगा. तो जब उनको पता चलेगा तब तो कि हाँ इसने बात लीक करी है, जब उसको पता चलता है कि पार्टी के अगेंस्ट वो गया है तो होता है, आप उसे ये हटा देते. अच्छा. हो बहुत होता है अगर उनको पता चलता है तो. जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं किसी ऑफिस में, हम सब लोग हैं, आप हमारे कुछ पर्सनल यहाँ पे बात हो रही है आज तक की तरफ से कि हम आने, हम इलेक्शन को कैसे कवर करेंगे, हमने प्लान बना लिया. अब यहाँ से किसी एक ने निकल करके वहां पे बता दिया, एबीपी न्यूज ने बता दिया कि आज तक वाले तो ऐसे करने वाले हैं, सब कुछ बता दिया. अब जब मेन डे आता है तो एबीपी ने वैसे ही फॉर्मेट में एबीपी बहुत अच्छा कर लेता है, तो पार्टी मतलब हम चैनल के अंदर तुम करेंगे ना, तो हमें पता चलता है कि उसी बंदे ने लीक की ये बात, तो चैनल के अंदर हम एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, उसको हटा सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं. हिमांशु क्लियर है ये मैम? क्लियर है. मैं ये पूछ रहा था कि ये जो कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हमारे विश्वसनीय सूत्र होते हैं, हाँ, लेकिन हम उसकी नाम नहीं बताते हैं, नाम नहीं बताते, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता, मैं सुप्रीम कोर्ट भी फोर्स नहीं कर सकता कि हमें सूत्र का नाम बताएं. हाँ तो ठीक है, लेकिन ये जो फिर अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस है, इसमें भी तो हम नाम नहीं बताते हैं सोर्स का. नहीं देखो, अनआइडेंटिफाइड, देखो कॉन्फिडेंशियल सोर्स में ना हमें पता है कि कॉन्फिडेंशियल सोर्स क्या है, मतलब हमें पता है, हम पे पता, लेकिन दुनिया को नहीं बताते हैं, ठीक है. अनआइडेंटिफाइड सोर्स ये है कि हमें पता ही नहीं है कि वो खबर कहाँ से आई है, हमें मालूम ही नहीं है कि वो खबर कहाँ से आई है, हमें बस ये पता है कि वो खबर है, मीडिया रिपोर्ट में वो खबर चल रही है, खबर मतलब घटना घटी है, मतलब कुछ हुआ है. कितनी देर की क्लास रहती है मैम? पिछली बार मैं एंड हो गई थी अभी. कितनी देर की क्लास रहती है इसमें? टाइम नहीं शो हो रहा. 40 मिनट्स में बता देना एक बार, ठीक है. पिछली बार ऐसे कट हो गई थी एकदम से. हां लल्ला. तो जैसे मान लो जैसे वहां उसको ले लो, वो क्या उसका नाम है यार, सब प्लीज मैं आपको म्यूट कर लूं यार, ये लल्ला वाला जो भी बोल रहा है वरना मैं क्लास से निकाल दूंगी. आई एम डैम सीरियस, अगर यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ो और कुछ ज्यादा ये मत करो. बात जो भी करनी होगी व्हाट्सएप पे बात करना. जैसे मैं अभी बोल रही थी हिमांशु, जैसे वहां वाली खबर आई थी, नॉर्थ कोरिया वाली खबर आई थी, ठीक है, किम वाली, वो खबर आई कि वो गायब हो गए हैं, वो नहीं आ रहे हैं, मतलब कुछ हो गया उसको. अब ये खबर कहाँ से आई, किसने इस खबर को बोला, ये हमें कुछ नहीं पता, लेकिन खबर तो है ना, मतलब हमें पता ही नहीं कि खबर कहाँ से आई, हमें सोर्स पता ही नहीं है, वो अनआइडेंटिफाइड सोर्स है, मतलब वो खबर है लेकिन हमें पता नहीं है खबर कहाँ से आई है, ठीक है. और कॉन्फिडेंशियल सोर्स में यह है कि हमें पता है कि वो खबर, वो जानकारी किसने दी है, लेकिन हम बताना नहीं चाहते हैं, हम उस पर सूत्र लगा देते हैं, ठीक है मैम. हेलो, हाँ कौन है मैम? जब कोई कैदी वगैरह मैम उसको लेके जा रहे होते हैं पुलिस वाले, तो मैम उसके ऊपर उसका मुंह ढका जाता है, तो मैम उसका इससे क्या रिलेशन है? कुछ नहीं, पहचान छिपाने के लिए हाँ मोस्टली किया जाता है, वैसे इसका कोई रिलेशन नहीं है ना. नहीं वैसे हाँ, मतलब कि अगर पहचान छिपाने, हाँ फेस इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हम पहचान छिपाते हैं, क्योंकि हम ये तो नहीं है ना कि गिरफ्तार करने के बाद उसकी जिंदगी जेल में ही कटेगी, वो बाहर भी तो निकलेगा ना, तो ऐसा नहीं हो कि उसको कोई ऐसी नजरों से देखा,
देखे तो कुछ ऐसा होता है पहचान छुपाने के लिए करते हैं, गिल्टी प्रूफ नहीं होता ज्यादा तब तक कुछ भी, मतलब कोर्ट से तब तक। और सब समझ गए? यस। हिमांशु क्लियर है तीनों सोर्स? यस मैम। अब कॉन्फिडेंशियल सोर्स का तुम एग्जांपल दो और अनआइडेंटिफाइड सोर्स का भी और आइडेंटिफाइड सोर्स तीनों का बताओ। I wanted to interrupt in between the class. I really want yes. Hello. What is there? Awaaz nahi aa rahi that word. Ankitika. Students. Okay, Himanshu. Not hearing your voice. Lalla. ठीक है फिर सारे लड़के सीधे सीधे सब लड़कों को भुगतना पड़ेगा वरना जिसने बोला है वो सीधे अपने बोल दो, एक की वजह से सारे लोग सफर करेंगे। दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर गोइंग टू यूज इन फ्रंट ऑफ योर पार्टी। हु सेड दैट वर्ड? Fine, I'm taking the screenshot. जितने भी लड़के हैं सब लोग इस चीज के लिए अब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, else जिसने बोला है वो खुद आगे से आके इंडिविजुअल कर दो, that would be much more beneficial for you all. Who said? Himanshu, tell me. Lalla. मैम क्या? लल्ला? हाँ, किसने बोला था अभी ये सब? मैम मैंने तो नहीं। नहीं हिमांशु, I'm asking from you कि मैम की ड्यूरिंग मैम ने अभी डाटा दिया है किस बच्चे ने बात ये वर्ड बोला था स्पेसिफिकली? मैम मुझे कंफर्म नहीं कि किसने बोला है। ठीक है फिर सारे लड़के बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, अब उसमें कंफर्म नहीं है ना मैम किसकी आवाज थी। ठीक है फाइन, नो प्रॉब्लम, ऑल द बॉयज आर गोइंग टू सफर फॉर दिस क्लास नाउ। मैम यू कैन कंटिन्यू, थैंक यू सो मच। ओके, किसने कहा था? देखो मैं तो आवाज भी नहीं मैं आवाज भी नहीं समझ पा रही हूँ तुम लोगों की और इसमें तो मैं बता भी नहीं पाऊंगी। अंकित तुमने कहा था क्या? मैम रिकॉर्डिंग ऑन है ना मैम, वो पता कर लेंगे मैम, अगर किसी ने बोला होगा तो इसमें सब कुछ बोल दिया जा रहा है। रिकॉर्डिंग ऑन है तो मैम वो तो पता कर लेंगे, लेकिन मेरी क्लास ठीक है ये कॉलेज तो मैम उसमें आवाज सब, लेकिन जिसने बोला वो बता दो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे क्लास में बाकी लोग सफर करें। और सबको पता है, सब यहाँ पे स्मार्ट है, सबको पता है कि वो आवाज किसकी थी। मैं क्योंकि आप लोगों की आवाज इतनी फैमिलियर नहीं, मुझे नहीं पता। एनीवे हम कंटिन्यू करें, हिमांशु एग्जांपल दो। कॉन्फिडेंसेस में मतलब जो हमारे विश्वसनीय सूत्र है, जैसे कोई भी हमें जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें जैसे गृह मंत्रालय की कोई रिपोर्ट मंत्रालय की तरफ से, वो हमें वहाँ जो खास है वहाँ पे काम कर रहा है उसके से वो जानकारी मिली, तो वो विश्वसनीय सूत्रों में कॉन्फिडेंशियल के। और ये आइडेंटिफाई में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे वीडियोस वायरल हो जाते हैं, जैसे अभी जो एक केरल में हुआ था जिसमें हाथी की जिसमें डेथ हो गई थी, तो उसमें ये जो खबर आई थी तो ये अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस में ही तो आएगा ना ये। मैंने एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में। हाँ, क्योंकि हमें उसके बारे में ये पता नहीं है कि किसने खिलाया, पहले तो हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी किसने उसके बारे में फोटो खिंचाया वीडियो जो भी बनाया, अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस में आएगा। और जो आइडेंटिफाइड सोर्सेस में वो जैसे कोई न्यूज एजेंसी की तरफ से कोई जानकारी आई है जैसे ANI की तरफ से या PTI की तरफ से, जैसे अभी इंडिया चाइना का जो अभी जो विवाद है, तो उसमें हमें अलग 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 जो न्यूज एजेंसी है उन्होंने अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी थी कि भारत के हमारे कितने जवान जो शहीद हुए हैं, तो उन्होंने जो ये आंकड़ा बताया वो हम ये आइडेंटिफाइड सोर्सेस के अंतर्गत आएगा। तो पहली बात जो झड़प भी हुई थी उसकी खबर भी ANI से ही आई थी हमें, तब हमें पता चला था कि झड़प हुई है ना मैम। लेकिन मैम जो झड़प हुई थी ना
तो उसमें जैसे चाइना की तरफ से भी ये बताया गया था, ENI ने ये बताया था कि उनके 40 से भी ज्यादा जो उनके सैनिक हैं वो मारे गए हैं, और जो वहाँ के अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स ने अलग अलग दावे किए थे, खुद चाइना ने भी मारा मतलब माना है कि जो ग्लोबल टाइम्स की 30 से 35 हमारे मरे हैं, और जो अमेरिका की जो न्यूज एजेंसी है उसने कुछ उसने भी ये चीज माना है, तो सबके अलग अलग आंकड़े हैं, तो ये आइडेंटिफाई सोर्सेस में आएगा। देखो उसमें क्या होता है ना, ये चीज तो अलग, जैसे चीन पे क्या है ना, चीन ना चीजों को छुपाता है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी इमेज खराब हो, जैसे अभी कोरोना को लेकर हो या फिर झड़प को लेकर हो, झड़प में जैसे हमारी सेना वहां पर क्योंकि मौजूद थी, तो वो लोग ने जैसे सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब जानकारी भी आई तो ये बोला कि 40 जवान उनके भी मरे हैं, ठीक है, सेना के, लेकिन वहां पे ग्लोबल टाइम्स से जो खबर आई तो उसने ये बोला कि 5 जवान हमारे मरे, तो चीन आंकड़ों को छुपाता है, ठीक है, तो चीन नहीं बताता वो, तो इसीलिए इसमें पता नहीं चलता है, हमेशा से करता है तो वही। हाँ हाँ, और जब अगर मान लो USA की तरफ से अगर मान लो कोई भी खबर लिखती है तो वो तो इंटरनेशनल है, तो वो तो जो भी हमारी इंडियन अथॉरिटी कर कह रही है, जो भी उधर से आ रहा है चीन की तरफ से, जो भी बात आ रही है वो दोनों को लेकर के कहेंगे कि चीन की तरफ से एक आ गया कि उसके 5 लोग मरे हैं, इंडिया की तरफ से एक कहा गया है कि उनके 20 जवान शहीद हुए हैं, और इंडिया ये दावा कर रहा है कि चीन के 40 जवान शहीद हुए, वो तो दोनों पक्षों को सुनेगा, ठीक है। नहीं मैम, लेकिन अमेरिका की कोई एजेंसी है उसने ये बोला है कि मतलब 30 से 35 जवान उनके मारे गए, अमेरिका की एक एजेंसी है। अमेरिका ना इंडिया के ज्यादा करीबी है चीन के कंपैरिजन में, ठीक है, तो अमेरिका अगर मान लो वो दोनों साइड में आएंगे ना तो उसका जो ध्यान है वो इंडिया पे ही आएगा, क्योंकि अभी जो इश्यूज हैं जैसे चीन कोरोना को लेकर भी अमेरिका ने सवाल उठा दिए थे चीन पे, कहा था कि चीन की गलती है, चीन ने उसको फैलाया है, तो इंडिया और अमेरिका का तो गहरे संबंध है ही, उन्होंने कहा था कि 40 सैनिक मारे गए हैं, भले ही चीन उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, तो अगर उसने लिखा भी है तो उसने लिखा होगा कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा कि इंडिया का ये कहना है, ठीक है, बाकी और सब समझ गए सारे पॉइंट यूनिट वन के, प्रगति सब क्लियर है, सारे पॉइंट्स सब क्लियर है, यस मैम। रिपोर्टर क्या होता है, कौन होता है रिपोर्टर, होता है जो मैम फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करता है किसी भी न्यूज की, मतलब रिपोर्टिंग करके और रिपोर्ट देता है। ऋषभ रिपोर्टिंग क्या है मैम? रिपोर्टिंग आप किसी भी जगह पे जाके लोगों की राय लेना अलग अलग जगह पे, और किसी भी टॉपिक पे लोगों से पूछना कि जैसे अगर इलेक्शन चल रहे हैं या कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके बारे में लोगों से जाके पूछना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है या आप क्या चाहते हो सरकार से, तो ये उसमें होता है। रिपोर्टिंग मतलब टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट इवेंट कुछ भी हैपनिंग, ठीक है। कुणाल, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टर्स, कुणाल पहली क्लास है? हेलो कुणाल, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टर्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग? मैम मैं फर्स्ट हाफ में नहीं था। चलो कोई बात नहीं। खुशवंत, एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग भाई क्वालिटी ना, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टर्स बता दो। हाँ मैम, मतलब रिपोर्टर के पास नॉलेज होना चाहिए, जिस टॉपिक पे रिपोर्टिंग कर रहा है उसके पास प्रॉपर नॉलेज, और बात करने का सही तरीका, अगर किसी से कन्वर्सेशन कर रहा है पब्लिक में, यही सब चीजें हैं मैम। आयुष, एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग, आयुष रस्तोगी मैम, उसे नॉलेज होनी चाहिए वो किस चीज के बारे में रिपोर्टिंग करने जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, उस क्वालिटी के बारे में। मैंने नहीं बोला क्वालिटी, मैंने नहीं पूछा एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग मैम।
सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग मैं पूछ रही हूँ जो वही बताएंगे. मैम एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग में आपने बताया था इम्पैक्ट, यूजुअलनेस, प्रोमिनेंस, कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉक्सिमिटी और टाइम. मैम इम्पैक्ट में होता है कि कितने लोगों पर असर हुआ है, मतलब वहाँ जो जो भी इंसिडेंट हुआ है मान लो वो कितने लोगों पर पब्लिक प्रॉपर्टी में कितना डैमेज हुआ है, कितने लोग वहाँ मारे गए हैं और ये सब मतलब इम्पैक्ट पर आता है. और उसके बाद आपने बताया था यूजुअलनेस मतलब सामान्यता कि, मतलब कि सॉरी मैम मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. लेकिन मैम इसके बाद आपने बताया था कि प्रोमिनेंस मतलब प्रमुखता. इसमें जैसे अगर मान लो कि हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे अगर अमिताभ बच्चन को चोट लगी है तो हम उसकी न्यूज बताएंगे, लेकिन अगर मान लो किसी और को चोट लगी है तो हम वो नहीं बताते कि किसी नॉर्मल इंसान को चोट लगी है. एंड मैम उसके बाद आपने बताया था कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष मतलब कि क्या 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 क्या. चलो मैं बता देती हूँ. देखो पहले तो यूजुअलनेस जहाँ पे तुम कंफ्यूज हुई, यूजुअलनेस मतलब ये कि आप वैसी चीजों को रिपोर्ट करते ना जो लीक से हट करो. धरती घूमती है कि नॉर्मल है, लेकिन भूकंप आया इट्स अ न्यूज. ठीक है, क्योंकि वो हर दिन भूकंप नहीं आता ना 24 घंटे, लेकिन धरती तो घूमती है. ठीक है, दूसरी चीज कॉन्फ्लिक्ट मतलब जहां पर भी झड़प हो, झड़प की खबर आई, विवाद हो, लाठी डंडे से मारपीट हुई, संघर्ष, तो वो है न्यूज. आयुष क्लियर है? ओके चलो ठीक है. इसके बाद कौन है यहाँ तक तो मैं पहुंच गई थी. हिमांशु सोर्सेज ऑफ न्यूज ये तो हो गया था ना, न्यूज गैदरिंग. हिमांशु मैम न्यूज गैदरिंग में हम रिसर्च करते हैं, मतलब जैसे न्यूज कहाँ से हमें कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपने बताया था हम रिसर्च करेंगे और जो इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते हैं उसमें से भी न्यूज निकल कर आती है. अंकित न्यूज गैदरिंग तो ठीक है मानशु मैं समझ गई. अंकित न्यूज गैदरिंग मैम याद है लेकिन थोड़ा सा हिंट दीजिए ना. भीड़ न्यूज गैदरिंग क्या मैम? एग्जाम एग्जाम में यही लिखना कि याद है लेकिन हिंट जरा दीजिए ना. मुझे लगता है जहाँ न्यूज गैदरिंग का मतलब होता है जहाँ से हम न्यूज इकट्ठा करते हैं, यानी कि जहाँ से हम न्यूज लेकर के आते हैं, चाहे वो सोर्स हो या हम कहीं से अपने निजी सोर्सों से पता करें या न्यूज एजेंसियों से पता करें, तो वो सब जो है न्यूज गैदरिंग का ही काम होता है. वहाँ से मैम जहाँ न्यूज हम कलेक्ट करते हैं. अंकित उसको बोलने दो, बीच मत बोलो, धीर बोलो. हाँ तो मैं वही बोल रहा था कि जहाँ से हम न्यूज गैदरिंग मतलब न्यूज़ों को इकट्ठा करना, खबरों को इकट्ठा करना, वो हम कहाँ से करते हैं, न्यूज एजेंसी से करते हैं, हम अपने फील्ड में निकलते हैं वहाँ से इकट्ठा करते हैं, न्यूज रिपोर्टर होते हैं उनसे इकट्ठा करते हैं, स्ट्रिंगर होते हैं वो भी हमें न्यूज देते हैं, तो ये सब जो है उसी में आता है कि हम न्यूज कहाँ से इकट्ठा करते हैं. अंकित क्लियर है? अब बोलो. यस मैम. मैम आप बोलो न्यूज गैदरिंग. मैम न्यूज गैदरिंग ये होता है मतलब बेसिकली कि हम न्यूज को गैदर करते हैं, मतलब हम न्यूज को कहाँ से लाते हैं, अपने सोर्स से लाते हैं या फिर जो भी हमारे स्ट्रिंगर है, जो हमारे रिपोर्टर है वो हमें न्यूज भेजते हैं, तो वही न्यूज जो हम कलेक्ट करते हैं उसे न्यूज गैदरिंग करते हैं. मैम हिमांशु बोल रहे थे कुछ. मैम मैं ये कह रहा था जो न्यूज गैदरिंग करते हैं यानी कि हम कहाँ से न्यूज को कलेक्ट करते हैं या इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च भी हम कर सकते हैं. अगर हम किसी भी पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में अगर हम रिसर्च करेंगे तो वहां से भी हमें न्यूज निकल कर सामने आ जाती है, या फिर जैसे इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं तो इंटरव्यूज में भी कई ऐसी खबरें होती हैं जो हम ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं, बड़ी खबर बन जाती है वो. और फिर ये जो सोर्सेज जैसे बताया धीर ने कि जो आइडेंटिफाई सोर्सेज होता है, जैसे कोई मीडिया रिपोर्ट जैसे ANI या PTI के हवाले से कोई बड़ी खबर आई है तो वो भी न्यूज गैदरिंग के ही अंदर आएगा. मतलब जहाँ से भी हम न्यूज को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, वो न्यूज गैदरिंग, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो, चाहे वो इंटरव्यूज के थ्रू हो, चाहे वो. आयुष शर्मा सो रहे हैं आप? सो नहीं रहा हूँ. चाहे वो ठीक है तो बाहर बैठ, चाहे वो नेट में मच्छर काट रहा है इसलिए ठीक है, चाहे वो कहीं से भी हो. बोलना भूल गया. प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जहाँ से भी हमें हम खबर लाते हैं वो न्यूज गैदरिंग है. चेतन तो लास्ट क्लास नहीं थे ना. आयुष वर्मा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. वेरिफिकेशन वैलिडेशन मतलब पहले हम वैलिडेशन करते हैं. वैलिडेशन जैसे कोई भी खबर हो, जैसे आज मान लीजिए जैसे जनार्दन मिश्रा सांसद, उनको गोली लग गई,
ये आज की न्यूज है, पहले तो मतलब ये आज की, आज गोली लगी, जैसे आज कौन सी तारीख होगी, आज दिन गोली लगी थी, आज की न्यूज हो गई, ये आज किसकी वैलिडिटी आज तक की है, तो कल बताएंगे तो अरे हमसे चार पांच लोग पहले ब्रेक कर चुके होंगे ये न्यूज को, इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो ये वैलिडेशन हो गया, मतलब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमें न्यूज को ब्रेक करना है, मतलब न्यूज को चलाना है, और वेरिफिकेशन जैसे इन्हें गोली लगी, अब हम इसे पहले वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम क्रॉस चेक करेंगे, अलग अलग सोर्सेस से वेरीफाई करेंगे, उनको सबसे निजी लोगों से पहले जानकारी लेंगे कि हाँ ये सच में हुआ है कि नहीं, ये इंसिडेंट हैपन हुआ है कि नहीं, सच में ने गोली लगी है कि नहीं, तो ये है वेरीफिकेशन कि हम किसी न्यूज को चलाने से पहले अलग अलग सोर्सेस से वेरीफाई करेंगे, लोगों से जानकारी लेंगे कि हाँ ये न्यूज चलने सच में है कि नहीं, इन्हें गोली लगी है कि नहीं, ये वेरीफिकेशन वेरीफिकेशन ठीक है। अब रमनीक शायद आइए, आपकी पहली क्लास है, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ लास्ट क्लास में था मैम, लेकिन थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आस्था, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का एग्जांपल दो। मैम वेरिफिकेशन मतलब न्यूज की हमें क्रॉस चेक करना, जैसे कि एक बस का अगर वहाँ पे आग लग सकती है तो हम वहाँ पे जो लोकल लोग होंगे, आई विटनेस होगा, उससे पूछेंगे कैसे हुआ और ऐसा कब हुआ, कितने टाइम पे हुआ, या वहाँ वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज होगी वहाँ पे हम जाके पूछेंगे कितने लोग घायल हुए, ये हम जिस हॉस्पिटल में उन्हें लेके गए हम वहाँ पे जाके पूछेंगे उन लोगों की कंडीशन क्या है, वहां से जाके पूछेंगे। वैलिडेशन मतलब अगर न्यूज आज वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो हमें आज ही न्यूज को ब्रेक करना होगा, अगर हम लेट हो गए और हमें कल न्यूज बताई है तो उसकी जो इम्पोर्टेंस होगी वो खत्म हो जाएगी, तो बेसिकली वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन यही। ठीक है प्रज्ञा, रिपोर्टिंग हायरार्की इन न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। मैम मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट थी एक्चुअली। कोई बात नहीं। दीपांशु आप थे लास्ट क्लास में ना? यस मैम। रिपोर्टिंग हायरार्की मैम वो मैम भूल गया मैम। कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेस वो भी मैम। ओके वेरी गुड प्रज्ञा, कल्टीवेशन ऑफ सोर्सेस पता है कि वो भी नहीं? ओके खुशबू, रिपोर्टिंग हायरार्की न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। खुशबू के बाद में आयुष आपके पास आऊंगी। मैम रिपोर्टिंग हायरार्की में आपने बताया था सबसे पहले आते हैं स्ट्रिंगर्स और फ्रीलांसर। स्ट्रिंगर्स वो होते हैं जो किसी को भी न्यूज दे सकते हैं और उन्हें स्टोरी वाइज पैसे मिलते हैं, ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। और रिपोर्टर और करस्पोंडेंट, रिपोर्टर वो होता है जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है और करस्पोंडेंट वो होता है जो पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होता है। उसके बाद आता है ब्यूरो चीफ, स्टेट हेड किसी भी स्टेट में हो सकता है, जैसे कि अगर आज तक का एक ऑफिस यहाँ है जो कि उनका सबसे मेन ऑफिस है, लेकिन उनके छोटे छोटे जो ऑफिस हैं वो पटना में या फिर मेन सिटीज जो होती हैं वहां पर हो सकते हैं। वेरी गुड। आयुष वर्मा मैम ये थोड़ा मैम ब्यूरो के बारे में थोड़ा, यही मतलब हायरार्की मैम जो बात हुई थी एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट में, तो इसमें हायरार्की रिपोर्टिंग हायरार्की के बारे में मतलब सीरीज में पूछ रहा था, मतलब ब्यूरो के आगे फिर कहाँ जाती है, मतलब यहाँ पे आके खत्म थोड़ी हो जाती है। हाँ, देखो ब्यूरो ब्यूरो के आगे उसके बाद फिर हमारे आ जाएंगे असाइनमेंट डेस्क वाले, जैसे असाइनमेंट जो मोस्टली हमारे चैनल्स में क्या होता है, मेन तो एडिटर हो गया जो हमारे मतलब एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है जिसका चैनल है, ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे एडिटर इन चीफ आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाएंगे फिर एडिटर इन चीफ के अंडर आउटपुट हेड आ जाएंगे। मैम इसे एडिटर इन चीफ बोलते हैं, एडिटर इन चीफ मतलब एडिटर मतलब एडिट करता है खबरों को, इस तरह से ये मतलब पद जैसे डेजिग्नेशन दिया जा रहा है उसका मीन क्या होता है? देखो कहते हैं एडिटर इन चीफ कहते हैं, एडिटर इन चीफ होता है ना जो पूरे चैनल का, जो पूरे चैनल का हेड हो उसको एडिटर इन चीफ बोलते हैं, ठीक है, जैसे सीईओ भी हम बोलते हैं, वो बिल्कुल हेड हो एडिटर इन चीफ, मतलब किसी भी चैनल का, जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर चैनल है, एमडी हर एक चीज को नहीं देखेगा, मान लो ये मेरा चैनल मैंने आज तक बना दिया, अब मैं तो बिजनेसमैन हूं ना, मैं मुझे चैनल का थोड़ी ना पता है, जैसे मान लो किसी भी एक शख्स है, मान लो कोई भी इंसान है, जैसे आज के टाइम में ओन करने वाले चैनल को ओन करने वाले, जरूरी नहीं है कि जर्नलिस्ट ही चैनल को ओन करे, है ना, क्योंकि पैसे अगर उनके पास नहीं भी है तो एक कोई कंपनी होती है, जैसे मान लो कोई एक बिजनेस घराना हो गया, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस, ये कंपनीज है,
उन्होंने चैनल ओपन कर दिया, अब उनको तो मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, अब वो क्या करेंगे, वो तो एमडी है ना, वो चैनल को कैसे रन करेंगे, तो वो मीडिया के किसी इंसान को एडिटर इन चीफ बना देते हैं, मतलब उस चैनल में जो भी हो उसकी जिम्मेदारी उस एडिटर इन चीफ, वो बिल्कुल हेड थोड़ी जाएगा, एडिटर इन चीफ, ठीक है, एडिटर इन चीफ एमडी के बिल्कुल कांटेक्ट में रहेगा कि वो चैनल को कैसे लेके जाना चाहते हैं, वो मतलब उसको बीजेपी कहाँ से वो पैसे कलेक्ट करना चाहते हैं, बीजेपी से या फिर कांग्रेस का, उसका अगेंस्ट दिखाओगे चलाओगे या फिर उसके फेवर में चलाओगे, ऐसे सब कुछ पॉलिसीज पे होती है। जैसे न्यूज़ 18 में रिलायंस का शेयर है सबसे ज्यादा। हाँ हाँ, तो वही, तो बिजनेस घराने को तो अलग अलग घरानों का चैनल हो गया ना, अब वो थोड़ी ना वो पर्टिकुलरली, हाँ मान लो अगर टाटा